अगर आपके बच्चे को MBBS करनी है, डॉक्टरी की स्टडी करनी है ना सर, आप कह रहे हो ना महंगाई नहीं है, इंडिया में 1 करोड़ रुपए, 20 लाख से 1 करोड़ रुपए लगेंगे, विदेश में वही चीज आपकी 4-5 लाख रुपए में हो जाएगी। विदेश में जाके रहो फिर तो क्या रह कर रहे हो भाई, अगर आपको ऐसी दिक्कत है यहाँ पर रहने से तो विदेश में रहो जा करके। भाई मैं भी तो आपको यही कह रहा हूँ, अब विदेश चले जाओ। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, किसी की कंप्लेंट है आपको बताओ, किसी कंप्लेंट है? कंप्लेंट करेगा बंदा, तुम्हारे से आके थोड़ी कंप्लेंट करूंगा, ओहदे पे तुम थोड़ी बैठे हो। कितने बंदे MBBS के पढ़ाई करने वाले हैं आपने मेरे को बताना जरा, कोई एक बंदा बताओ मेरे को, कितने बंदे MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर बताओ मेरे को, एक बंदा दिखा दो मेरे को MBBS कर रहा हो तो। अब बात यहाँ पर कर रहे हैं MBBS की, फिर बात आप किसी की कर रहे हो, जो महंगाई महंगाई कर रहे हो, पेट्रोल पहले उसमें कांग्रेस के टाइम पे कितना था बताओ, क्या महंगाई पता है आपको? मजदूरी भी 50 रुपए था ना, 50 रुपए इनकम कितनी थी उस टाइम आपकी, इनकम कितना कमाते थे उस टाइम पे? पे कमा रहे वो 5,000 के बराबर है, खर्चे इतने ज्यादा हो गए, महंगाई सिलेंडर कितने का है, 1200 रुपए का सिलेंडर है यार, देख रहे हैं। बाकी शौक भी तो अपना देखिए, आपका शौक भी तो बहुत बढ़ता जा रहा है, सब्सिडी मिलने बंद हो गई तो सिलेंडर की बात आ गई है, 4 महीने हो गए और क्या हो गए, अभी सब्सिडी अकाउंट में आ रही, सबके अकाउंट में आ रही भाई, 400-500 रुपए सब्सिडी आई है, 13 रुपए नहीं आ रही थी, 13 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आई होगी, 13 रुपए लेडीज से पूछो, किसी लेडीज से पूछो, लेडीज के अकाउंट में आती थी, आपके अकाउंट में नहीं आती थी। हमारे घर पे मेरी मम्मी के अकाउंट खुद आते हैं हर महीने 400 रुपए। तो क्या लग रहा है आप 24 में फिर चेहरा कौन रहे? कोई एक ही बात है, कोई बात ही नहीं है, कोई है नहीं पूछने वाली, कोई बात ही नहीं है, मोदी जी के टक्कर कोई बंदा ही नहीं है, टक्कर में नहीं है कोई बंदा ही नहीं है, कौन है उसके अलावा? कोई है ही नहीं, कौन संभालेगा? तो भाई आएगी प्रधानमंत्री है, तुम्हारी थोड़ी आएगी, प्रधानमंत्री की वोट आएगी भाई उसकी, भाई जो कोई बात बोलेगा, कोई वो बता, कोई वहाँ पर कुछ वो कुछ मुद्दे की बात कर रहा है वहाँ पर जाकर, कहीं पर केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए आने वाले टाइम में, एक ही बंदा है जो सारे मुद्दे सोल्व करेगा, पूरी दिल्ली में दंगे करवा दे है ना, पूरे देश में दंगे करवा दे केजरीवाल, ऐसा बंदा चाहिए? क्यों नहीं है? अरे अंकल क्या बता आपको, किसने उसके पार्षदों ने करवाया सब कुछ, जो भी करवाया, उनकी छतों पे पत्थर सब कुछ भरे पड़े थे, वो आ गया मुजफ्फरनगर दंगे में? केजरीवाल को सौंप रहे हो यार, केजरीवाल ने किस चीज में दंगे करा दिए? केजरीवाल ने कहां दंगे करा दिए? आप देखने गए थे केजरीवाल को दंगे कराने के लिए? बेरोजगार फिर रहे लोग, काम नहीं है, समझे? काम लाके तो सिलेंडर कितना है भाई? 1200 है, 1200-1100 रुपए भाई। एक गरीब आदमी ने रोटी बना के खानी होती है बस, वो भी आराम कर रखी है, ये तो सेंटर की जिम्मेदारी है। पेट्रोल कहाँ है? उन्होंने कहा था भाई 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, 100 जा रहा है पार। आपने कभी बात करी है? हाँ जी पेट्रोल ज्यादा हो गया, रेट ज्यादा हो गया जी, मोदी जी ने वादा करा था। आप पढ़े हुए हो, राहुल गांधी ने टी शर्ट डाल रखी है, अरे ऐसी तैसी करवाए राहुल गांधी, फूफा लग रहा है क्या वो हमारा? मैंने होना चाहिए काम धंधा, मैंने होना चाहिए महंगाई पे बात करें, महंगाई को खत्म करें, मैंने होना चाहिए शिक्षा। क्या लग रहा है कि अब 24 में क्या बदलाव हो या क्या बदलाव तो होना जरूरी है? क्या क्या लग रहा है कि 2024 में कौन बने प्रधानमंत्री? भाई हम तो चाहते केजरीवाल को, कि केजरीवाल ने काम अच्छा करा, अस्पताल उन्होंने अच्छे करे, स्कूल अच्छे करे, लेडीज फ्री घूम रही हैं। सर मैं आपसे सवाल करता हूँ, केजरीवाल ने कैसा काम करा आप बता दो, दिल्ली से हो ना आप? बहुत बढ़िया काम करा। मैं दिल्ली से नहीं, मैं तो हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हो, तो क्या राय है यहाँ पे, व्यवस्था कैसी है केजरीवाल की? हम जब अपनी राय देते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों की राय बदलती है। अच्छा। तो शायद ऑन कैमरा हमारी राय देना ठीक नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमें बहुत सारे लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम कोई भी राय कैमरा पे देंगे तो उससे बहुत सारे लोगों की राय पे। ये पूछो आप, ये दिल्ली की जनता खड़ी है भाई, स्कूल कैसे, कैमरा इधर करो, माइक करो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। अब आपको क्या लगता है 2024 में जो प्रधानमंत्री का चेहरा रहे वो कौन रहे? राहुल गांधी रहे या मोदी रहे, भाई देश के हित में जो काम करेगा वही रहना चाहिए। कौन करेगा देश के हित? अब देखो जी, महंगाई तो है लेकिन महंगाई के हिसाब से कमाई भी है। ऐसे अच्छा। कुछ नहीं है, मैं मुसलमानों से विरोध नहीं करता हूँ, मैं बीजेपी का भी। मैं एक्चुअली ये है कि जो उनके नीचे जो है ना, वो कोई भी ढंग से काम करने को तैयार नहीं है। अकेले अच्छा। अकेले अगर वो प्रधानमंत्री अकेले वो हर चीज़ को देखने तो नीचे नहीं आ रहा हो। अब ये महंगाई नीचे वाला भी कर रहे हैं कुछ, और केजरीवाल उसके राज में तो बहुत पिस्से होते हैं क्योंकि बिजली के बिल जीरो आता मेरा। अरे महंगाई के साथ कमाई भी है भाई, कमाई है कमाई है, क्यों नहीं है, कमाई भी है, है।
भाई हर किसी के कमाई है, क्यों नहीं कमाई नहीं है भाई कोई है कमाई। 2014 में 300 रुपए दिहाड़ी था, अब 600 रुपए दिहाड़ी है मजदूर का, तो डबल नहीं कोई कमाई भी तो हो गई। कहा गया 500 से 1200। हाँ हाँ 1200 रुपए सिलेंडर हुआ है, पेट्रोल पेट्रोल भी 60 से 100 हो गए पेट्रोल भी। तो बस इस चीज में दो चीज में इनको ध्यान देना चाहिए, दो ही चीज भाई, दो चीज में मेन हो गया पेट्रोल और सिलेंडर, इस चीज में। बाकी शिक्षा तो केजरीवाल ने करी रखा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सेंटर की बात हो रही 2024, तो भाई 90% तो मुझे मोदी का ही चांस है, और बाकी 10% तो भैया राहुल का ही, इसके अलावा कोई है ही नहीं। 90% मोदी, 90% महंगाई के बावजूद भी भाई, महंगाई के भाई कमाई भी तो देखो ना यार, कमाई भी तो देखो, 300 वाला दिहाड़ी वाला 600 भी तो कमा रहे हैं ना, ये भी नहीं देखोगे। वो ऐसा है सर, महंगाई के बाद भी मोदी इसलिए है क्योंकि सुबह सुबह टीवी चैनल ऑन करो रात तक मोदी दिखाई देता है, अब इतने से बच्चा क्या करेगा, यही होगा बढ़िया भाई, जो सुबह से लेकर शाम तक दिखाई वो दे रहा है। क्या नाम है? उमेश सिंह कोटा, राजस्थान। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 2024 में मोदी सरकार बनेगी? लेकिन महंगाई नहीं है, महंगाई की अपेक्षा लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं। मेरे पास 10,000 का मोबाइल है, इनके पास 20,000 का है, तो इनकी इच्छा है कि 20,000 का लूँ, 10,000 का नहीं लूँ। महंगाई नहीं है, महंगाई लोगों को लग रही है क्योंकि उनके खर्चे बढ़ गए हैं। अच्छा। उसी हिसाब उसी गति से वो कमा भी तो रहा है। महंगाई नहीं है, महंगाई उतनी ही है, महंगाई उतनी ही है जितनी थी, उस गति से उसको वो कमा भी तो रहा है सामने वाला। कि राहुल गांधी इधर से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांट रही है धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान को लड़ा रही है। इधर से बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे देखें तो इनके मुद्दे होते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना, रोहिंग्याओं को घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना, तमाम इस तरह की चीज़ें इनकी तरफ से होती है और उनकी तरफ से ये होती हैं। इधर से धारा 370 को कश्मीर से हटाना, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों में विपक्ष सहारा लेता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, मुसलमानों के खिलाफ के तो यार कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन धार्मिक घटनाएँ देश में बढ़ती जा रही हैं और व्यक्तिगत सोच जो लोगों की दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बात रही तो सबसे बड़ी तो रोज़गार की है, अगर इंसान को रोज़गार मिलेगा और प्रति व्यक्ति आय में अगर इंसान की वृद्धि होती है तो आदमी आराम से सेटलमेंट हो जाएगा, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे लिए राहुल गांधी अगर बेटर काम करते हैं और उन्हें जो भी अपने मैनिफेस्टो में जो भी घोषित करते हैं वो अगर उन पर खड़े उतरते हैं तो हम तैयार हैं उनके लिए। तैयार है राहुल जी? जी तैयार हैं। 2000 क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी को बदलने का समय आ गया? वो वक्त बताएंगे। आप बताएंगे, वोटर हैं आप देश के जी? मुझे तो लगता है। जी देखिए, बीजेपी का मुद्दा रहता है कि जनसंख्या को नियंत्रण करना। आपने कहा प्रति व्यक्ति आय की बात की आपने, कि जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो कैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। बाहर से आए कुछ लोग हैं जिनको CA, NRC, NPR ये बीजेपी के तमाम मुद्दे रहते हैं, उनके मैनिफेस्टो में पहली लाइन होती है, तो क्या लगता है ये सब लागू हो? देखिए, बाहर से आने का मुद्दा तो हमेशा देश के अंदर रहा है और ये चीज़ें उठाई जाती हैं। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे जब भी ये मुद्दा था, तो उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी, तो जिसके तहत आज जो था भारत उस पर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा था वो उतर गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस तरीके की नीतियाँ नहीं अपनाई और अपने डाउनफॉल को दिखाने के लिए उन्होंने ये दौड़ दिया कि बाहर से लोग आ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या तो बढ़ी है ठीक है, लेकिन उसमें एजुकेशन सिस्टम में भी अगर देखें तो हमारी वृद्धि नहीं है। सबसे बड़ी तो बात यह है जनसंख्या बढ़ने की, अगर एजुकेशन सिस्टम में हमारे सही से डेवलपमेंट हो और वृद्धि हो, सही से टीचर्स हो और स्टूडेंट्स हो, सही से कॉन्टैक्ट हो उनके बीच में, और एक जागरूकता नहीं है बस जनसंख्या की, ये है समस्या। ये नहीं है कि बाहरी लोगों की समस्या होगी, बाहरी लोगों की समस्या हमेशा देश के अंदर, वो एक सेटलमेंट की ज़रूरत है उसको, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बीजेपी जैसे कहती है लगातार कि रोहिंग्या जा रहे हैं, रोहिंग्या जा रहे हैं, घुसपैठ करके आ रहे हैं देश में, ऐसे घुस रहे हैं, तो उस पर मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके की सोच कोई सही है, क्योंकि इस देश की जो सीमाओं की रक्षा है ना वो हमारे भारत सैनिक कर रहे हैं, और बाहरी सैनिक किसी को भी घुसने देते नहीं आसानी से, ये उनकी ईमानदारी पे प्रश्न उठाने वाला चिन्ह है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा भाई। तो चलिए, क्या नाम है? बॉम्बे प्रिंस। अच्छा, क्या लगता है आपको जो मोदी जी की सरकार रही कैसी रही है? देश का प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई आया है PM तो नरेंद्र मोदी, ठीक है, लेकिन इसकी इनकी जो मंडली है, जो पीछे बैकग्राउंड इनके जो काम करने वाले हैं, वो आदमी ठीक नहीं है। अच्छा। और इनकी सरकार चला रहे हैं अमित शाह जी। अच्छा, तो गृह मंत्री हैं वो, साथ में सरकार तो चलाएंगे ही, गृह मंत्री सरकार चलाने के लिए तो बने हैं। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती, जब चुनाव नज़दीक आता है तब ये बहसबाजी करना शुरू, उससे पहले कहाँ जाते हैं ये? आज 10 साल के करीब होना आ रहा है। मोदी जी से एक मेरी विनती है कि आपने मंदिर का मुद्दा निपटा दिया, बहुत अच्छा काम किया,
धारा 370 दी, वो भी अच्छा काम किया, लेकिन एक काम आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है मोदी जी। आप हिंदू और मुसलमान दोनों के बाप हैं आप, अगर देखा जाए तो राजा बाप होता है जनता का। जब हिंदू और मुसलमान दोनों बेटे आपके हैं तो देश को अगर आपको चलाना है तो दोनों को बराबर नज़र से देखना पड़ेगा। जब आप मंदिर के लिए जगह दी, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं तो जो मस्जिद के लिए जगह दी है उसका पैसा भी आपको अपने फंड से मस्जिद खड़ी करनी चाहिए, तब देश चलता है। हिंदू मुसलमान दोनों को बराबर हिसाब से डिवाइड करना चाहिए। अब वो पैसे कहाँ से लाएंगे मस्जिद बनाने के? मेरा नाम, मैं हिंदू बच्चा हूँ लेकिन चारों वेद में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, आर्य पुत्र। ये हिंदू हिंदू करके हिंदू मुसलमान देश की राजनीति अच्छी नहीं है। ऐसे मंदिर भी तो चंदे के पैसों से ही बन रहा है, उसमें भी चंदा ही दे रहे हैं लोग, आप जैसे हम जैसे लोग ही तो दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सरकार के पैसों से थोड़ा बन रहा है। चंदा तो दे रहे हैं, तो देने वाले चंदा दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में चंदा देने लायक नहीं है कोई, तो क्या करें, कहाँ से देंगे? और मंदिर के लिए बाहर से ही पैसा आ रहा है, विदेशों से आ रहा है। तो आपको लगता है मुस्लिम समाज में पैसे नहीं है मस्जिद के लिए? हाँ, मस्जिद के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मोदी जी नहीं, कायदे तरीके देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी बाप है, दो बेटे आपके हिंदू और मुसलमान। लगता है एक अयोध्या की मस्जिद के लिए पैसे नहीं है, या फिर एक किलोमीटर में 12 बन जाती है उसके लिए है? चाचा आपने देखा है एक एक गांव में 12-12 भी हैं कई जगह? अरे कुछ नहीं, सारे झूठ है, नेताओं की बातें हैं। पहले मोदी जी जब आए थे तब कहा था जगह जगह बाथरूम बनाऊंगा, देखिए बाथरूम, महिलाएं कितनी परेशान है यहाँ। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया बाथरूम है, एक बाथरूम है बस, यहाँ से लेकर फतेहपुरी के बीच में। एक उदाहरण दे देते, कैमरा पर्सन को कहूंगा एक बार दिखाओ, ये इतना साफ सफाई वाला बाथरूम मैंने नहीं देखा आज तक, उदाहरण कम से कम बढ़िया ही दे देते कहीं और का। एक भी नहीं है, ये तो रहा आपके सामने। मिला करके मेरा कहना है, अगर हिंदुस्तान को चलाना है, भारत को, बहुत माइंडेड आदमी आप, दो आदमी अमित शाह और मोदी जी, तो दोनों बच्चों को जो भारत में जो रह रहे हैं सभी धर्म के लोग, सबको मिला के चलिए। देश की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति मत कीजिए आप, बिल्कुल मत कीजिए, इसमें सारा देश गड़बड़ हो जाता है। और एक बात समझ नहीं आ रही, मोदी जी इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बाद आपका आप पूरी गाड़ियों से चल रहे हैं, उसके बाद एक छोटा सा बच्चा फूलों की माला लेकर कैसे पहुंच गया आप तक? कहां गई आपकी चूक? आज क्या अखबारों दिया, राजस्थान पत्रिका के अंदर आया है कि प्रधानमंत्री माला पकड़े और बच्चा माला लेकर अंदर जा रहा है और सिक्योरिटी पकड़ी, वो कैसे घुस गया अंदर वहां?